पंजाबी देख रहे हो तुसीं, मैं हां सुमन जेटली ते मेरे नाल मेरे सहयोगी सिमरजोत सिंह मक्कड़ एक वड्डा अपडेट सांझा करन जा रहे हां। पंजाब दे विच जल्दी ही शराब दे ठेके खुल सकदे ने, पर शराब दी होम डिलीवरी ते इहनां दे दाम नूं लै के हाले भी सस्पेंस बरकरार है। उत्थे ही बीजेपी दे कौमी सकत्तर तरुण चुग ने 600 करोड़ दे होए रेवेन्यू घाटे दे जांच दी मंग भी कीती है। सिमरजोत, देखो शराब जिहड़ी है ना पंजाब दे विच विकदी तां बहुत सीगी, पर पत्रोल दी पहली वारी देखी है। ये पत्रोल रही है सरकार दी जी। थोड़े याद होना पहला सीएम साहब जदों लॉकडाउन पूरे चरम ते रहा, हुण तां लोक भी थोड़े जे ढले हो गए, लोग सड़कां ते भी आउण लग गए, कारोबार भी खुलने शुरू हो गए, लोग जदों रोटी मंग रहे सीगे, लोग जदों राशन मंग रहे सी, लोग जदों कह रहे सीगे कि साडा रुजगार दा बणूगा की, उदों कैप्टन साहब दिल्ली नूं चिट्ठी पांदे है भी शराब दे ठेके खोलण दी इजाजत दे दिओ। दिल्ली केरां तां ना कर दिंदी है, पर जदों पूरे देश दे विच खोलण दी फैसले हो जांदे ते पंजाब नूं वी कह दित्ता जांदा भी भाई हुण तुसीं खोल लो, तुसीं जो चिट्ठियां पाउंदे सीगे रोज भी सानूं खोल लैंदे हो जी ठेके, साडा मालिया ठेकियां तों आउणा ते साडी स्टेट उत्थों चलनी है। ते हुण कैप्टन साहब ने जदों खोलण दी इजाजत देती ते फिर कैप्टन साहब तों ना तां वजीर संभल रहे है ते ना विधायक संभल रहे है, ते अफसरशाही दा जो हालात है ओह तुहानूं पता ही है। पंजाब दे एक हिस्से दे विधायकां ने ते मंत्रियां ने अंदर खाते करन अवतार सिंह दे खिलाफ मोर्चा खोलता। करन अवतार ते कहता भी ओह मंदा बोले पुट्ठा बोले मीटिंग दे विच, पर ये बड़ी हैरानी दी गल है भी जे ओह पुट्ठा जां मंदा बोले सी ता मीडिया ते पब्लिक च आके रौला पाउण नालों पहला सीएम साहब ते जे भरोसा सीगा ते सीएम साहब नाल गल क्यों ना होई इहदे बारे, चाहे ओह मनप्रीत बादल सी ते चाहे जिहड़े रोज कोई ना कोई नवा ट्वीट कर रहे राजा वड़िंग ने, यह मौके की भाल दे विच सीगे। दरअसल ये पंजाब दी कांग्रेस च बड़े वारी खास तौर पर राजा वड़िंग जिहड़े एक सुफना लैंदे ने, वह सुफने की मौके की भाल च रहिंदे आ हमेशा, हालांकि उन्होंने चंगा तो नहीं लगता बहुता यह, पर जिहड़े वह हालात बनते देख रहे है, जिहड़े दोष उन्होंने लाते कि करन अवतार के बेटे की बेनामी जिहड़ी डिस्टिलरियां दे विच हिस्सेदारी है, ते हुण उह कहिंदे आ वी सिर्फ उन्हां तों जिहड़ा चीफ सैकटरी तों एक्साइज एंड टैक्सेशन दा चार्ज खोया गया है, कल जिहड़ा झटका जिवें सारे ने कहा बड़ा वड्डा झटका है उन्हां दे वास्ते, ते मनप्रीत बादल कहिंदे सी वी मैं उस मीटिंग च नहीं जाणा है जिथे रहिणगे, ते उह सीएम साहब दे हवाले रखता सी वी सीएम साहब इह फैसला कर लैण हुण वी इहदा शराब दा ते एक्साइज दा हुण फैसला की करना है। तां वड्डा सवाल है कि फिर राजा वड़िंग ते आपदे बाकी साथियां नूं लै के सीएम दे दरबार च क्यों नहीं बहिंदे जाके, भी पहला इस गल दा फैसला दसो भी करना की है, तुसी एडा वड्डा जे दोष लाता ते उस दोष दी टाइम बाउंड जांच क्यों नहीं मंग हुंदी, लोग किवें मूरख बन रहे तुसी इहदे च देखो, सरकार दे अफसर ते सरकार दा मंत्री दोष ला रहा है ते सरकार दा ही विधायक प्रोड़ता कर रहा है किहदे खिलाफ, सरकार दे खिलाफ, ते फैसला किने लैणा सरकार, फैसला किने लैणा सरकार ने ही लैणा, इह तां उह है कि ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਝੋਟਿਆਂ ਘਰੋਂ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਸੁਮਨ, ਕਿ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਨੀ ਟਵੀਟ ਵਾਰ ਚੱਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਟਵੀਟ, ਤੇ ਇਹ 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 ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਝੱਟ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕਿਹਨੂੰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ।
एक थां ते बैठो ते बाद च आके मीडिया नूं ब्रीफ करके दस दिओ भी फैसला सरकार दे वल्लों आ लिया गया कि करण अवतार सिंह दा फेट की होऊगा, मनप्रीत बादल इहदे च की स्टैंड रखदे ने, ते राजा वड़िंग जिहड़ा इहदे विच की चाहुंदे सीगे, उहनां दी उहनां दा की कहिणा इहदे उत्ते, ते सीएम साहब इहदे ते खुल के आके प्रेस ब्रीफिंग करन कि असीं इहदे उत्ते की जिहड़ा फैसला लैंदे आ। सिर्फ होम डिलीवरी नूं इक बहाना बना के बाकी मुद्दे जिहड़े ने पंजाब दे ओह कित्थे जा रहे हैं, ये समझ तो परे है। ये लोकां नूं मैनूं लगदा है गुमराह करन दी कोशिश कीती जा रही है। लोग इस वेले शराब नूं लैके इन्ना उलझ गए ने कि ओह करोना नूं भुलदे जा रहे ने। असली मुद्दा इस महामारी दे नाल लड़ना सी, पर असीं अज इह देख रहे हैं कि शराब नूं लैके की फैसले आ रहे ने। ट्वीट कर रहे ने राजा वड़िंग, जिसका समर्थन सुखजिंदर रंधावा भी कर रहे ने, जिस विच ओह कहिंदे ने कि जिहड़ा 600 करोड़ दा नुकसान होया इस ते जांच बिठाई जावे। देखो छोटे दोष तां है नहीं, इन्ने वड्डे दोष ने कि चीफ सैकटरी के पुत्र ते दोष लग जाना कि वह डिस्टिलरिया दे विच बेनामी उहदा हिस्सा है ते वह फायदा पहुँचाया गया है, तां दो गल्लां ने। पहली गल तां यह है कि सीएम साहब नूं इस गल की नॉलेज नहीं सी, जे ये गल है तां बड़ी हैरानी की गल है कि सीएम की नक् हेठां चीफ सैकटरी का पुत्र यह काम करता रहा ते सीएम नूं पता नहीं लग्या। ये तां बड़ी अफसोस की गल है पंजाब वास्ते। तो दूजी गल होर हैरानी की है, जे सीएम साहब नूं इहदा पता सी तां इह तां अपने आप च बड़ी हैरानी की गल है कि जे सीएम साहब नूं इस गल की नॉलेज सी तां सीएम साहब ने इहदे ते एक्शन क्यों नहीं लिया। कल सुखपाल खहरा ने दोष लाता, वह कहिंदे सुखपाल खहरा कि सीएम की नक् हेठां इह सारा कुछ हो रहा सीगा, तां सीएम ते बड़े वड्डे दोष ने। तां इहदे विच सब तो वड्डा सवाल है कि इस गल की कलैरिटी देनी पैनी है। ये इस तरह नहीं चलना जिवें हालात के रोज़ तुसी ट्वीट करता अपनी ही कदे तुसी सरकार नूं सवाल कर रहे हो, किनूं कर रहे हो सवाल, तुसी सीएम साहब तक तुसी कहने हो, हमेशा कांग्रेस कहती आई है विधायक कि नहीं जी साड़ी अप्रोच है, अकाली दल ते आम आदमी पार्टी ये गलत दोष लाउंदी है कि सीएम साहब किसी नूं मिलदे नहीं, सीएम साहब अप्रोचेबल नहीं गए। तां जे अप्रोचेबल ने तां फिर उत्थे ये तस्वीर भी पा दें राजा वड़िंग कि उन्होंने नाल बैठ के गलबात कर रहे हैं और ये दस रहे हैं भी ये ते की फैसला लिया गया। बिल्कुल सिमरन, मेरे नाल फोन लाइन ते साडे सहयोगी सुमीत जोशी चंडीगढ़ तो जुड़ चुके ने। सुमीत तो पूछ लेने हैं इस मामले ते जो अपडेट्स ने। सुमीत जी, जो शराब नू लेके इस वेले ठेके जल्द खुलन दा अपडेट आया या होम डिलीवरीज नू लेके जेड़ा हले सस्पेंस बरकरार है, इससे जरा थोड़ा चानण पाओ। देखो जे कहिए कि ऑफिशियल हजे किसी भी तरह की अनाउंसमेंट नहीं हुई, पर हाँ क्योंकि जिवें कि लगातार चर्चावां चल रही सी, लगातार इस चीज से सब की निगाह बनी हुई थी, तो हूँ जो जे कहिए कि सूत्रों के हवाले तो जी खबर निकल के आ रही है कि पहली तो मंजूरी देती है, दूसरा होम डिलीवरी वास्ते ठेकेदारों को ही, यानी कि वह तो पहला भी कहा गया कि ठेकेदारों को खुद कहा कि तुम प्रबंध करो भी होम डिलीवरी किस तरह के नाल होवे, सरकार कोई स्ट्रक्चर नहीं दे सकती, हाँ वह भी कितने ना कितने अगे लागू होती भी दिख रही है भी जेकर, क्योंकि असल चीजा तो जो नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा फिर आएगा कि कुछ बदलाव करते, पर वड्डी चीज एक तो यही थी कि होम डिलीवरी ओवरे वास्ते भी कहा गया ठेकेदारों भी प्रबंध करो, दूजा यह थी कि जो ठेकेदार ने जिम्मे 22 मार्च तो लॉकडाउन होया उन्होंने रिलैक्सेशन मंगी थी कि जिन्ने दिन लॉकडाउन रहा वो सू कई दिन की छूट दे दो ताकि जी सा फीस का असर फीस असं पूरी दे चुके हैं, तो वह चीज की भी हम कहने रिलैक्सेशन है जी इस नीति के हो सकती है कि जो अगे हूँ जी पॉलिसी चलूगी वो ठेकेदारों को भी रिलैक्सेशन दी गई है, तो ठेकेदार ने कहती है गल कि जे रिलैक्सेशन सू मिलती है असं ठेके खोलने तैयार हाँ, यानी कि वही खबर तो शराब प्रेमियों यही कह सकते हैं कि ठेके हूँ खुलते हुए दिखेंगे, पहले कई जगह से की थी कि एक शहर से दो ठेके खुले ने एक ठेका खुला है तो बाकी जगह से ज्यादातर ठेके बंद थे, पर हूँ ये नाराजगियां हो सकता है कि इस नीति के खत्म कर दी ने क्योंकि विवाद काफी भक्त चलिया, इस नीति ने तो यह गल भी आप कह सकते हैं कि मंत्री के अफसर आमनो सामने खड़े करते, इस बार की नीति बड़ी वड्डी है जी कह सकते हैं कि इन वे फैसलों के तौर पर लैती गई है, हालांकि कुछ टाइम थोड़ा जा होर इंतजार करना होगा कि नोटिफिकेशन की कापी जो सामने आ जाएगी कुछ पिछली बार वांगू पता लग जाएगा कि आखिर की कुछ चीजा ने जिहड़ियां वो बदलिया गई ने या पुरानियां ने या फिर कहिए कि अज तो ऑर्डर ने जिहड़े किहड़े लागू हो जाएंगे। सुमित जी, होम डिलीवरी ते कोई फैसला लिया गया, कोई इहदी इनफॉर्मेशन तुहाडे तक पहुंची है? जी बिल्कुल, देखो जो चीज तो मैं कह रहा कि होम डिलीवरी नूं लैके दो डिस्ट्रिक्टां दी गल होई है कि फतेहगढ़ साहब ते मोहाली, ये दो डिस्ट्रिक्ट हो सकदा होम डिलीवरी ना हो, पर जिहड़े बाकी पंजाब दे वास्ते आ उहदे ते जरूर है कितने ना कितने कि तुसीं ठेकेदारी खुद प्रबंध करनगे, हुण इहदे विच देखो दो चीजा ने, जो ठेकेदारों को कहता कि तुम आप प्रबंध करोगे होम डिलीवरी वास्ते तो ऑर्डर तो है, यानी कि जे मैं ठेकेदार हाँ मैंने कोई चंगा लगेगा भी होम डिलीवरी ठीक है जी साड़ी सेल बजूगी फिर तो मैं रख लूँ बंदे, पर जिवें ठेकेदार ने कहा कि असी होम डिलीवरी के हक च नहीं,
ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖੜਤੀ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਹੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਮੀਤ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਸਮਝੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਮੀਤ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਆਉਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਦੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸੁਮਨ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬੜੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਦੀ ਦਾਰੂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਔਰ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਕਦੋਂ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਜੋ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।